हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज बदरी आ गया है और ये जो है कि मैंने गेहूं को धुल दिया है, देख सकते हैं आप लोग। और ज़्यादा नहीं है, बस 4 किलो है, सूख जाएगा। इतना तगड़ा धूप है कि सूख जाएगा, कोई वो नहीं है कि नहीं सूखेगा। और ये देख लीजिए, मेरा बाबू जो है उसी में भर रहा है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो दोस्तों, मैं जो हूँ कि मैं यहाँ आज जो है कि मेरे बाबू का छुट्टी था, आज गुड फ्राइडे है तो इस वजह से छुट्टी है, तो मैं नहीं गई हूँ। और यहीं पर आज मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि क्या हुआ था। आज सुबह टुल्लू ही नहीं चल रहा था, पता नहीं क्यों क्या हुआ। हालांकि अभी भी नहीं चल रहा है, लेकिन एक बेरी पकड़ लिया था तो चल दिया है। और चलने के बाद जो है कि मैंने पानी वगैरह ले लिया, पानी भर लिया है, पीने के लिए भी ले लिया है, दाल चावल बनाए हैं और भुजिया बनाए हैं, खाए हैं। इनके पापा 2 दिन बाद लखनऊ से आए, और लखनऊ से फिर उसके बाद जो है कि आज कहीं चले गए हैं, बाहर ही गए हैं। अब शाम तक हो सकता है आ जाए। और दिमाग नहीं सही चल रहा है दोस्तों, एकदम दिमाग नहीं सही चल रहा है। आदमी करेगा तो क्या करे, क्या किया जाए, समझ में ही नहीं आता कि इतना टेंशन दिमाग में भरा हुआ है कि कैसे आदमी प्रॉब्लम सॉल्व करे, कैसे स्थिति को अपने सुधारे। सब ऐसे ही पड़ा का पड़ा है, कुछ आगे पीछे नहीं हो रहा, सब अच्छा, मतलब कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है। आदमी इस वजह से परेशान है। और इतना मेरे लिए इतना हार्ड वर्क हो रहा है इस टाइम पे कि मैं क्या बताऊँ। मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ कि मैं वहाँ रहूँ कि यहाँ रहूँ, जो कि मस्ट वहीं पर है, हमारे लिए वहीं पर सही है। मन बस सिर्फ देखिए, व्यवस्थाएं तो आप लोगों ने देखा ही है कि कोई खास ऐसा नहीं है जो मुझे वो दिक्कत हो, क्योंकि मैं वहाँ पर रही हूँ। 3 साल पहले मैं वहीं पर रही हूँ, सितंबर 2019 में ही यहाँ पर आई, और 16 सितंबर 2019 को यहाँ पर आई हूँ, और 2 अप्रैल को मैं वहाँ पर गई, 2 अप्रैल 23 में गई हूँ फिर से। तो देखा जाए ना, तो बड़ा टेंशन वाली बात है हमारे लिए। अब क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ रहूँ कि यहाँ रहूँ। और काफ़ी मेरे दिमाग में टेंशन सा भरा हुआ है। और जो है ना कि आज बदरी आ गया, तो यही सब दोस्तों, अब क्या बताएं, एकदम टेंशन सा बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और मैं आरओ का पानी पीती हूँ, मतलब फिल्टर वाला, तो वो देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल में नंबर ही नहीं है, मैंने इसमें सेव भी नहीं किया। अब जो है कि वो कैसे अब आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। रात में नींद भी नहीं आ रही, इतनी गर्मी है, और वहाँ पे भी पता नहीं क्या हमारे दिमाग में ऐसा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे मेरा जब से ऑपरेशन हुआ है तब से मुझे नींद नहीं आती है, मतलब मैं रात भर ऐसे जगी रहती हूँ, समझ में नहीं आता है। पहले तो मैं 2-2 बजे जगती थी, एकदम तुरंत मतलब नींद आ जाता था और सुबह उठते थे, बड़ा अच्छा वो था, लेकिन ऐसा अब हो ही नहीं रहा है। आदमी करेगा तो करेगा क्या, समझ में नहीं आ रहा है।